Good morning, students. This is your math class, and I hope you all are good and healthy. Okay, let's start our class. Today we are going to do exercise 4C. That are problem sums. Okay, तो ये आपके problem sums हैं. हमने इनको solve करना है, इनकी statement बनानी है और इनको solve करना है. So first sum is four cats have 2 years each. चार बिल्लियां हैं, हर एक के पास 2 years हैं. How many years do they have in all? तो चारों के पास कितने होंगे. ओके, सी नंबर ऑफ कैट्स 4, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ ईच कैट. हर एक कैट के पास, ईच कैट के पास 2 years हैं, कान हैं. टोटल नंबर अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब हमें एक कैट, एक चीज का, कुछ भी एक चीज का बताकर ज्यादा का नंबर्स पूछा हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, अगर चाहे आपको कॉस्टिंग बताई हो, चाहे आपको नंबर्स बताए हो, चाहे आपको जो भी बताया हो, अगर एक का बताकर ज्यादा का पूछो. सपोज अगर आपको एक पेंसिल का, एक पेंसिल की कॉस्ट बताई है और 10 की पूछी है तो आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, कभी भी डिवाइड नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई. नो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओनली मल्टीप्लाई. ओके, सो सी नेक्स्ट सम. 8 monkeys हैव 4 legs ईच. ईच मतलब एक, हर एक मंकी की कितनी है, 4 legs हैं. हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन ऑल, टोटल 8 monkeys. सी नंबर ऑफ मंकीज कितने हैं, 8. नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ईच मंकी, हर एक मंकी की कितनी लेग्स हैं, 4. टोटल नंबर ऑफ लेग्स दे हैव, तो उनकी टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हुई, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. ईच मंकी की बताई है, 8 monkeys की पूछी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 8 4 32, टोटल लेग्स आर 32. ओके, इन नेक्स्ट सम देयर आर 9 chairs विद 2 boys. 9 chairs हैं, हर एक चेयर पर 2 boys हैं. ऑन ईच लिखा हुआ है ना, 2 boys ऑन ईच, इट मीन्स एक चेयर पर 2 boys हैं. हाउ मेनी बॉयज देयर इन ऑल, तो 9 chairs पर कितने बॉयज होंगे. टोटल नंबर ऑफ बॉयज 9. नंबर ऑफ बॉयज ऑन ईच चेयर, हर एक चेयर पर 2 boys हैं. टोटल नंबर ऑफ बॉयज ऑन ऑल चेयर्स, सारी चेयर्स पर आपके कितने आएंगे, 9 multiplied by 2, 18 boys. ओके, नेक्स्ट 7 crows हैव 2 legs ईच. हाउ मेनी लेग्स आर देयर इन ऑल, अगर 7 crows हैं, हर एक की 2 legs हैं, तो आपको बताना है कि टोटल लेग्स, उनकी टांगे कितनी होंगी. टोटल, टोटल नंबर ऑफ क्रोज 7. नंबर ऑफ लेग्स ईच क्रो, ईच मतलब हर एक क्रो की 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी हो गई, 7 crows की 7 multiplied by 2, 14 legs. दे आर 14 legs ऑफ ऑल क्रोज. ओके, इसी तरीके से आपको ये पूरे 9 sum करने हैं. ओके ओके बेटा, थैंक यू. मैं आपको सारे सम्स की स्टेटमेंट सेंड कर दूंगी, जस्ट आपको समझाए हैं कि ये हमने इस तरीके से किए हैं. ओके ओके, गुड लक.